असलकम वरम्बल वरक नाजरीन आपका बेहद इस्तकबाल है प्यारे नाजरीन आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कारगर और करामाती वज़ीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ इस अमल से बंदा मिनटों में बेचैन हो जाएगा आपके लिए कोई भी इंसान मिनटों में आपके बस में हो सकता है आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा यानी कि आप लोग चाहते हैं कोई ऐसा शख्स है जो आप चाहते हैं वो आपके कब्ज़े में हो जाए आपके ऊपर लट्टू हो जाए आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं यानी कि मोहब्बत से जुड़ा कोई भी आपका मसला है वो आप सुलझा सकते हैं इस अमल को करके दुनिया के किसी भी इंसान को मिनटों में अपने कब्जे में करने के लिए बेहद ही असरदार वजीफा मैं आपको यहाँ बता रही हूँ एक ऐसा नाम जिसको आप 20 मरतबा यानी कि 20 बार पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि सामने वाला इंसान जिसका मकसद यानी जिसका तस्वुर यानी जिसका ख्याल आप लोग अपने दिमाग में रखकर इस वजीफे को करते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी मोहब्बत में ऐसे बेचैन होगा कि आप हैरान ही रह जाएंगे सबसे पहली बात अमल पर आपको यकीन रखना है और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना है दूसरी बात वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लें आखिर तक देख लें ताकि सही से आप अमल कर पाएं आपने हर तरीके से कोशिश कर ली अपने प्यार को पाने की हर सारी कोशिशें कर ली हर तरीके से सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी कोई अमल कोई भी चीज़ उस पर काम नहीं कर रही है वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहा है चाहे आपका शौहर हो बीवी हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो जायज़ रिश्ता होना चाहिए जायज़ मकसद होना चाहिए उसमें आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए हर सारी कोशिशें कर ली आपने हर तरीके से सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी कोई अमल कोई भी चीज़ उस पर काम नहीं कर रही है वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहा है चाहे आपका शोहर हो बीवी हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो लेकिन जायज़ रिश्ता होना चाहिए जायज़ मकसद होना चाहिए उसमें आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कामयाबी उठा सकते हैं किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए किसी को भी अपनी तरफ रुजू करने के लिए किसी से भी अपनी बात मनवाने के लिए किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको 11 बार यानी 11 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है फिर आपको ये एक नाम पढ़ना है या मानियो या मानियो या मानियो इसको आपको 20 बार पढ़ना है देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या मानियो या मानियो या मानियो 20 बार आपको ये पढ़ना है बहुत छोटा सा वजीफ़ा है मुश्किल से इसको करने के लिए पाँच से दस मिनट आपको लगेंगे जिसके लिए वजीफ़ा कर रहे हैं उसका ख़्याल आपके दिल में होना चाहिए फिर आखिर में 11 बार दुरूद पाक फिर से आपको पढ़नी है इतना करने के बाद उस इंसान का नाम आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं और फिर अपने सीने पर तीन बार फूंक मार लें दम कर लें इतना काम आप लोग करें उसके बाद आप लोग कमाल इन शखों से खुद देखेंगे बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है ये इस वजीफ़े को आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं किसी भी दिन से आप लोग इसकी शुरुआत कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो तभी से अमल की शुरुआत कर दें लेकिन इस वजीफ़े की मुद्दत है ग्यारह दिन की यानी लगातार ग्यारह दिन इस अमल को करना होगा ता उम्र के लिए इसका असर देखना चाहते हैं मतलब पूरी उम्र के लिए देखना चाहते हैं तो 11 दिन लगातार इस अमल को करना ही होगा वरना बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं होगा और हाँ जायज़ मकसद के लिए ही इसे करें और पाक साफ हालत में इस अमल को करें दुनिया के किसी भी इंसान के लिए आप इसको कर सकते हैं इस वजीफे की बहुत ही फजीलत बताई जाती है कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आई है आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अगर कोई ज़्यादा ही परेशानी आपको लग रही है नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लगातार स्क्रीन पर मौलाना साहब का नंबर दिखाया जा रहा है जो कि आप देख रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं और मौलाना साहब से फिर से वजीफ़े की सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और वो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों किसी जगह रह रहे हों आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो खुद नहीं कर सकते हैं तो मौलाना साहब आपको ये वजीफ़ा करके देंगे तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़